वो देखो वो जो घर बसे हुए ना वो पाकिस्तानी घर है। तो एक कछुआ दिखाया, रुको तो कछुआ भी दिखाता हूं तुम लोगों को। महाराज डोगरा क्लैन के चक्कर। तो बात ऐसे इस टाइम पे मैं हीरानगर में हूँ। कल की रात हम राहुल की दीदी के घर पे ही रहे एंड एज यू कैन सी ये जो है ना ये जो बाउंड्री तुम्हें दिख रही है जो ये ट्रैक्टर दिख रहे हैं ये इंडियन ट्रैक्टर है। वो जो बॉर्डर है ना उसके पार है पाकिस्तान और ये हमारा इंडिया। व्यू देख रहे हो? तो अभी चलते हैं, बॉर्डर देख लिया तुम लोगों ने, यही देखना था बस। मजाक कर रहा हूँ। आज सवेरे में जल्दी उठा, हमने पूरा बॉर्डर घूमा है बड़े अच्छे से जीजा जी के साथ। मैं और राहुल जा रहे हैं सांबा वाली साइड, फिर वहां से हमें मानसर जाना है और उसके बाद घर जाना है। लेकिन उससे पहले तुम आज सवेरे देख के आओ जब हमने पूरा बॉर्डर घूमा, ठीक है? ओके लेट्स गो। ओके सो अभी हम जा रहे हैं बॉर्डर देखने। जैसे कि मैंने तुम लोगों को कल बताया कि बॉर्डर देखने जाना है। यहाँ पे वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी प्रोहिबिटेड, लाइक आप नहीं कर सकते, लेकिन आपका भाई तो करेगा। इतनी दूर आया हूँ मैं, पागल हूँ। तुम लोगों को अगर पता नहीं दिख रहा होगा कि नहीं, लेकिन ये जो घर है ये पाकिस्तान के घर है। अभी स्ट्रिक्टनेस बड़ी ज़्यादा हो गई है, लेकिन जब कोई आज से कोई चार पाँच साल पहले तो इतनी स्ट्रिक्टनेस नहीं थी, लाइक आप जा सकते थे पार, आप पाकिस्तानियों से हाथ मिला के आ सकते थे। कुछ भी, मजाक कर रहा हूँ। हम पास जा रहे हैं और डर के आगे जीत है, और वहाँ पे अपने आर्मी वाले रहते हैं। तो ये था बॉर्डर, हम जा रहे थे आगे, लेकिन एक उधर बंकर से भैया आगे कहते कहाँ जा रहे हो, गोली खाने का शौक है तो मेरी जगह पे आ जाओ। तो अभी हम जीजा जी के खेत में हैं क्योंकि पानी देना है, लाइट आ गई है, सिग्नल नहीं है, इधर एक ही सिग्नल आता है पाकिस्तान के टावर का। इट्स बिजार टू इवन थिंक कि हम बॉर्डर के पास हैं। लाइक मेरे घर वाले, मैंने उन्हें बताया नहीं कि मैं बॉर्डर के पास जा रहा हूँ, लेकिन अगर उनको पता चले उनको मेरा बेटा है। तो ये चावल की खेती है और टोटल 3 महीने के बाद यहाँ पे चावल आ जाएगा। ऐसे तो ये देख लो भाई, मोटर स्टार्ट हो चुकी है और यहाँ से ये जो है यहाँ से ये पानी जा रहा है वहाँ पे, और वहाँ से वो उधर से उस खेत में चला जाएगा। सिस्टम तो पहले के ज़माने के लोग सिस्टम वाले तो थे भाई, मानो या ना मानो। राहुल नहाना है तूने? मन तो तेरा बड़ा कर रहा है, मैं तेरी शक्ल दिखा रही है। तो ये है जी पूरे नज़ारे बॉर्डर के पास के, और ये जो बॉर्डर है ये हीरानगर के साइड पे है, और अभी मेरे अंदर एनर्जी आ रही है। तो ये है हमारा पूरा बॉर्डर के पास के सीन। एक बार फिर बता देता हूँ, वो जो वाइट तुम्हें लाइन दिख रही है ना वो बॉर्डर है, उसके थोड़ा सा 10-20 मीटर के बाद एक और लाइन आती है, ऐसे तारे लगती है, और उसके बाद पाकिस्तान शुरू हो जाता है। अभी पता नहीं इस गोप्रो में दिखेगा कि नहीं दिखेगा, लेकिन जूम इन करके दिखा दूंगा मैं। वो देखो वो जो घर बसे हुए ना वो पाकिस्तानी घर है। इट्स नॉट अ बिग डील लाइक हु गिव्स अ शिट कि वहाँ पे पाकिस्तानी घर है कि नहीं है, लेकिन बात यह कि एक वो होता है ना यार कि जिनके साथ इतनी बहस चलती है ऑनलाइन, सब कुछ होता है, और वो एकदम पास रहते हैं। प्रॉप्स टू दिस गाइज मैन, ये जो BSF वाले हैं मतलब ज़बरदस्त है यार। तुम लोगों को मजाक लगता है लेकिन इतनी गर्मी में यहाँ पे रहना और इनको फुल ऑन क्लोथिंग पहननी पड़ती है, वो जो आर्मी ड्रेसअप होता है। तो रिस्पेक्ट टू ऑल द BSF के जितने भी जवान हैं या जितने भी आर्मी में जो कंट्री को सर्व कर रहे हैं। अभी बॉर्डर के साइड पे आओगे तो तुम्हें रियलाइज हो जाएगा कि उनकी रिस्पेक्ट क्यों की जाती है और क्यों करनी चाहिए। अरे वो इंडिया का फ्लैग, ये देखो इंडिया का फ्लैग, मैं जूम इन कर दूंगा। तो बात ऐसे अभी चलते हैं घर पे, उसके बाद हम निकल जाएंगे ऑल द वे टू मानसर, लेट्स गो। ओके तो वी आर एट सांबा, और हमने सोचा कि क्योंकि सांबा के पल्ले बड़े मशहूर है तो पल्ले ले ही लेते हैं। और यहाँ पे सांबा में फर्स्ट टाइम आया हूँ, इससे पहले मैं सांबा मतलब आया हूँ लेकिन ऐसे कभी रुका नहीं था। और यहाँ पे भी बड़ी खप है भरावा, लेकिन ये है कि सामने ही पहाड़ है, एज यू कैन सी यहाँ पे, लेकिन खप तो है भरावा। हाँ भाई डोरा है, डोगरा क्लैन के बंदे। और भाई सांबा सही सिटी है तुम्हारी, आप सांबा की? हाँ जी सांबा देगा। मन नहीं था लेकिन सांबा आयल पर लेना खाए तो सांबा आएगी। और यहाँ पे हर दूसरी दुकान पे पल्ले मिलते हैं, लाइक पल्ले सब्जी वाली दुकान वहाँ पे पल्ले, सांबे का नाम चेंज करके पल्ले रख देना चाहिए। बैड जोक। पल्ले पैक करा लिए, पल्ले खा लिए, सांबा में आके जो मिशन था वो कंप्लीट हो चुका है। तो अभी हम जा रहे हैं मानसर वाली साइड। ये जो ट्रक है इसके पीछे ये देखो क्या लिखा हुआ है, जूम इन करके तुम्हें दिखाता हूँ मैं। क्या है राहुल पढ़ के बताइए तो? लिखा है कि मुझे कब्रों से डर नहीं लगता, एक मेरा दोस्त वहीं रहता है। वाह 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 वाह। कुछ भी। ओके
तो मैं और राहुल अभी फाइनली मानसर झील के एकदम हम पास आ चुके हैं। हमने स्कूटी वहाँ पीछे पार्क कर दी और वहीं पे अपना सारा बैग वगैरह दे दिए और अभी हम जा रहे हैं मानसर झील वाली। मैं मानसर आया था व्हेन आई वाज इन कौन सी क्लास में पिकनिक के लिए, मतलब जब मैं 9th क्लास में था तब आए थे हम यहाँ पे और अभी मैं इतने सालों के बाद जा रहा हूँ, आठ साल के बाद मैं जा रहा हूँ। ओह मैन दिस इज़ क्रेजी। स्कूटी पे ट्रैवल कर कर के भाई मुंह वगैरह पे पूरी धूल ही धूल लग गई और ये आटा भी ले लिया मेरा 10 रुपये का। मैं सोचा यार आए हैं तो मछलियों को थोड़ा सा खाना खिला ही देंगे, क्यों राहुल? अभी इतने बड़े बड़े मगरमच्छों को खाना खिलाया है तो मछलियों को खाना खिलाना तो बनता है। सो या हियर वी गो। और ये फाइनली आपको क्या करना है, सिंपली ऐसे थोड़ा सा आटा तोड़ना है और ऐसे खाना। मैं बोलना चाहता हूँ अपने जो जम्मू में एक्वेरियम है उन लोगों को इधर करना कि इफ पॉसिबल थोड़ी मछलियाँ ज़्यादा रख लें। हमारी मानसर झील में कुछ ज़्यादा ही मछलियाँ हैं एज़ कम्पेयर टू जितनी पूरी एक्वेरियम में मछलियाँ नहीं थी ना उतनी तो सिर्फ इतनी इधर ही। As you can see, this is Mansar. और है पूरी बाउंड्री थी वो वहाँ से। तो स्टोरी ये थी कि जब यहाँ पे प्यास लगी थी, किसको लगी थी प्यास? मुझे भी एक्चुअल में मुझे भी अभी याद नहीं है, बट ये है कि शायद अर्जुन ने यहाँ पे बांध मारा था एकदम बीचों बीच, उसकी वजह से ये पूरी झील बन गई। तुम लोगों को तो पता ही है पिछले ज़माने के लोग कितने पावरफुल होते थे। तो ये कछुआ दिखाया, रुको तो कछुआ भी दिखाता हूँ तुम लोगों को। ओके सो मैं ये कह रहा था कि बस आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट टाइम जब आएंगे यहाँ पे तब तुम लोगों को जू भी दिखा दूंगा, बट आज के लिए इतना काफ़ी है। और अभी हम बड़ा ज़्यादा थक चुके हैं क्योंकि पिछले दो दिन से हम यहाँ पे चले जा रहे हैं। आई swear on God, आई एम रियली फीलिंग टायर्ड। ओके सो मेरे को दो चीज़ें बतानी है। पहली चीज़, जब आप यहाँ पे झील में आते हैं, अगेन मैं वही बोलूँगा कि यहाँ पे डस्टबिन भी होंगे, अपना जो भी कूड़ा कचरा है वो डस्टबिन में डालें। दूसरी चीज़, जो कछुए होते हैं, जो टॉर्टोइस होते हैं, वो बहुत पावरफुल होते हैं, तो ऐसे मज़े के चक्करों में हाथ अपना ज़्यादा आगे मत लेके जाना, खींच लेते हैं राहुल, खींच लेते हैं ना। और अभी यहाँ तक अगर तुमने देख ही लिया तो जल्दी से जल्दी यहाँ पे 2000 लाइक्स हो जाने चाहिए। और अगर ऐसी वीडियोस और देखनी है तो दोबारा कहूँगा कि 50,000 फॉलोअर्स जल्दी से कर दो, सब्सक्राइब द चैनल अभी के अभी करो और शेयर भी कर देना यार। जो लोग यहाँ कूड़ा डालते हैं उन तक पहुँचनी चाहिए ये बात कि प्लीज़ यहाँ पे कूड़ा मत डालें। तो बस यार यही था, अभी हम लोग घर जाएंगे। अगर कुछ इंटरेस्टिंग हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो यहीं पर ब्लॉग को मैं एंड करता हूँ। बाकी मैं तुम लोगों को घर मिलता हूँ अभी, और अभी एक दो दिन में पंचारी भी जा रहा हूँ, कल शायद रामनगर भी जाएं क्योंकि कल भी एक दो जगह पे कार्ड देना है, कार्ड ही कार्ड चल रहे हैं इस टाइम पे। तो बस यही था व्लॉग, अपना ख्याल रखो, मज़े करो, जैशी मारो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग जो कि कल आएगा। ख्याल रखो एंड जय माता दी।